लोग खड़े होने वाले कुछ आसन करेंगे, ठीक है। तो अभी दोनों हाथ को क्या करेंगे, पैर की दूरी 2 से 3 इंच की दूरी रखेंगे अपना बॉडी के मुताबिक, नजर को सामने रखेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लीजिए, सामने की तरफ लेके जाएंगे इस प्रकार से, लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। इसी एक जगह में नजर को जमा लीजिए, बैलेंस को बनाइए, और बैलेंस तभी बनेगा आपका जब किसी एक चीज पे केंद्रित करोगे अपने नजर को, और कम से कम 1 मिनट तक इसी प्रकार रुकेंगे, कम से कम आधा मिनट हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट आप जितना आसमान को छूने का प्रयास करेंगे, डाउन, और फिर ऐसा ही करेंगे। आप इस आसन का नाम है ताड़ासन। सारे बच्चे बोलो ताड़ासन। बच्चों की लंबाई बढ़ती है, और आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुदंड है, उसकी जुड़ी हुई समस्या उससे आपकी दूर होती है, आपका पोस्चर सही होता है। जो लोग ऐसे झुके जा रहे हैं आगे की तरफ, अगर वो अगर प्रतिदिन अपने योगाभ्यास में आधा घंटा इस तरह से करते, कम से कम 7 बार 8 बार इस चीज को दोहराते हैं। इस आसन का क्या नाम था, ताड़ासन। अब दोनों पैर को थोड़ा सा खोल लेते हैं, और उसी प्रकार से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है, करा दे रहा हूं, जिनको स्टूल सुबह में फ्रेश नहीं होता, कब्ज के शिकार हैं, लैट्रिन सही ढंग से नहीं होते, दूसरे लड़के खड़े रहते हैं और उनका स्टूल करने में बैठे रहते हैं लैट्रिन के अंदर में, तो पेट हमारा साफ रहेगा तो पैर में पेट में गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। तो आप क्या करेंगे, बाएं और दाएं सांसों के साथ करेंगे। चलिए बाएं साइड में सभी बच्चे जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए बाएं साइड में, बाएं साइड में सभी बच्चे जाएं बाएं साइड में, और सांसों को लेते हुए सामने आए, सांसों को छोड़ते हुए दाहिनी साइड में जाएं, और सांसों को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। तो इसका नाम क्या था, तिर्यक ताड़ासन। क्या नाम था, तिर्यक ताड़ासन था ये। तो ये, और दोनों हाथों को आप क्या करें, छाती के पास लेकर के आए इस प्रकार से, ठीक है, आ जाइए, और बाएं साइड में पूरे हाथों को इस प्रकार से लेके जाएंगे। जब ऐसा जाएंगे पीछे साइड में, तो दूसरे हाथ की हथेली आपके पीछे वाले हाथ के शोल्डर के ऊपर में लग जाएगी। जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे करेंगे, और फिर वही क्रिया दूसरे साइड में करेंगे। एक तटी संचालन बोलते हैं इसको। तो जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके ये पेट में काफी घुमाव आता है, और ये पानी, गर्म पानी पी करके अगर ऐसा करते हैं, तो उनको स्टूल पास होने में दिक्कत नहीं होती, कब्ज की समस्या कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलता है, पेट में गैस एसिडिटी से आपकी छुटकारा मिल जाती है। तो ये आप कर लेंगे। तो खड़ा होकर के मैं 2-4 करवा दिया, समय का अभाव है बच्चे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सभी चीज चाहूंगा आप लोगों को बता देना। तो अभी आप लोग को यह भी बता रहा हूं, योग का काम होता है जोड़ना, तो मैं आप लोग को चाहूंगा कि आप योग के साथ जरूर जुड़े, आप वैसे घर पे करें लेकिन योग जरूर करें, ठीक है, करेंगे, कितने लोग करेंगे, बहुत बढ़िया। मैं समय नहीं है हमारे पास, तो षष्ठ क्रिया में 2-3 क्रिया में बता दूं आप लोग को कम समय में, तो अभी कैसे करना है। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो हम नौली क्रिया करके आपको दिखा रहे हैं, श्वासों को बाहर निकाल देते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, और खींच करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं बाएं कुंभक लगाना, तो हम वो लगाते हैं सबसे पहले, तो ये काम करेंगे। तो देख लीजिए कैसे करते हैं, और नौली क्रिया कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। तो इस प्रकार को ये जो क्रिया करते हैं, तो इसको बोलते हैं नौली क्रिया। क्या बोलते हैं, नौली क्रिया। तो ये प्रकार का षष्ठ क्रियाओं में एक क्रिया बताया आपको, दूसरा अग्निसार क्रिया होता है, इसमें श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं। तो उसे और जैसे आप करेंगे, देख लीजिए कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग करते हैं, तो इसको बोल। तो इस प्रकार को
ये जो क्रिया करते हैं तो इसको बोलते हैं मौनी क्रिया। क्या बोलते हैं? मौनी क्रिया। तो ये प्रकार का सब क्रियाओं ने क्रिया बताया आपको, इसका अग्निशा क्रिया है। इसको सांसों को बाहर देते हैं और फिर छोड़ते खींचते हैं और क्रिया छोड़ते हैं। और देखिए कैसे कैसे आपके मन और मुख से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उसे आपको निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि इसका अगला भाग भी आप देख सकें और हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।